मंगल पांडे। बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी का यह सैनिक सबसे अलग और निराला था। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाला यह देशभक्त सिपाही मंगल पांडे था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। क्या आप जानते हो उन्हें देशभक्त किसने बनाया? मंगल पांडे की मां अभय रानी ने उन्हें देशभक्त बनाया। मां बचपन से अपने लाडले बेटे को बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनाती थीं। उन कहानियों ने बालक मंगल को देश प्रेमी बना दिया। अंग्रेजी सेना में उनकी भर्ती एक विशेष घटना थी। देश भर में अंग्रेजों का आतंक था। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में असंतोष और क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। लोगों को डराने और दबाने के लिए अंग्रेजी सेना जगह जगह मार्च करती थी। एक दिन अंग्रेजी सैनिक अधिकारी को मंगल पांडे जैसा हृष्ट पुष्ट और लंबा चौड़ा युवक मिला। अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे से फौज में भर्ती होने की बात कही। वह बिना किसी लोभ लालच के 22 वर्ष की उम्र में 10 मई 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए। सेना में प्रवेश के समय मंगल पांडे बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव विद्यमान था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध पांडे देश की आजादी के सपने सजोने लगे थे। उन दिनों नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और कोलकाता में नजरबंद कर दिया था। मंगल पांडे के साथी सैनिक अधिकतर अवध के थे। अंग्रेजों की इस तानाशाही की खबर से फौज में असंतोष फैल गया था। उस समय नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए अपने गुप्तचर सेना में भेजे। सैनिक छावनी में पहले से ही असंतोष के चिंगारी फूट रही थी। गुप्तचरों के मंत्रों ने आग में घी का काम किया। उसी समय एक खबर जंगल की आग की तरह सब ओर फैल गई कि सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते हैं वे गाय और सुअर की चर्बी से चिपकाए जाते हैं। उन कारतूसों को भरने के लिए पहले मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध कार्य था। मंगल पांडे उन दिनों कोलकाता के पास दमदम में कारतूस बनाने के कारखाने में थे। एक दिन एक निम्न श्रेणी के कर्मचारी ने पानी पीने के लिए मंगल पांडे से लोटा मांगा। पांडे के मना करने पर उस कर्मचारी ने कहा, मुझे लोटा देने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन जिन कारतूसों को आप दांतों से खोलकर बंदूक में डालते हो उन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? इतना सुनते ही मंगल पांडे आग बबूला हो गए। उन्होंने लोटा और रस्सी को कुएं पर ही छोड़ दिया। सीधे छावनी में अपने साथी सैनिकों से मिले और यह बात बताई। सभी सिपाहियों को बहुत आत्मग्लानी हुई। उन्होंने कारतूसों को छूने से मना कर दिया। बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34 रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लेकर परेड मैदान में सभी भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मोर्चा संभालने के लिए ललकारा। मंगल पांडे की विद्रोही घोषणा का समाचार चारों ओर फैल गया। मेजर जनरल ह्यूसन ने परेड मैदान में मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, किंतु उसकी आज्ञा पर कोई भारतीय सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने को आगे आया था, मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। उसी समय सैनिकों के विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज सैनिकों की एक पलटन वहां आ गई। मंगल पांडे को चारों ओर से घेर लिया गया। उन्होंने कैदी बनने के बजाय अपनी छाती पर गोली दाग ली और मूर्छित होकर गिर पड़े।
अंत में घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वीर मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला, उन्हें फांसी का हुक्म सुनाया गया। बैरकपुर में जल्लादों ने उन्हें फांसी लगाने से इनकार कर दिया। अंत में दूसरे दिन कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को भारत माता की जय बोलते हुए वह अमर शहीद देश के लिए बलिदान हो गया। इस प्रकार मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे।